संदेश बनाना. Heat up till the milk comes to a boil. The milk is coming to a boil. It has come to a boil. I'm switching off the gas. दूध पूरी तरह से उबलने के बाद अब थोड़े देर उसको ठंडा होने देते हैं. एकदम उबलते हुए दूध में विनेगर मत डालिए. अब हम इसमें विनेगर डालेंगे. 4 tablespoon विनेगर, उसके साथ 4 tablespoon वाटर. थोड़ा थोड़ा करके विनेगर और वाटर सॉल्यूशन को ऐड करेंगे जब तक मिल्क पूरी तरह से कर्डल ना हो जाता. कैन यू सी द मिल्क हैज कर्डल्ड एंड आई एम स्लोली. अब जब मिक्स करोगे दैट ग्रीन लिक्विड विच इज द वे कर्ड एंड द वे. सो मिल्क कर्डल होने के बाद ये ग्रीनिश कलर का जो लिक्विड दिखता है दैट स्लोली स्लोली द मिल्क विल सेपरेट. द मिल्क सॉलिड्स विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द वे एंड दिस इज कॉटेज चीज और छेना. छेना इज द बेस ऑफ ऑल बंगाली स्वीट्स. अभी ये छेना को मैं स्ट्रेन कर लूँगी. सो आई हैव टेकन अ स्ट्रेनर जिसके ऊपर मैंने चीज क्लॉथ रखा है. अगर आप ठीक से रेसिपी फॉलो करके इस तरह छेना बनाएंगे तो वो घर पे भी बिल्कुल बाहर जैसा ही बनेगा. ये मेरी गारंटी है. ये छेना को आप थोड़ा सा पानी से धो डालो क्योंकि ये धोने से क्या होगा जो विनेगर का थोड़ा सा स्मेल इसमें रहता है वो निकल जाएगा. और इसको आप बांध लो. इसको आप थोड़ा थोड़ा प्रेस करके जितना एक्स्ट्रा पानी है उसको निचोड़ लो और एक्स्ट्रा पानी को निकाल दो. एट दिस स्टेज प्लीज टाई दिस ऑन किचन टैप और वेरेवर पॉसिबल फॉर अबाउट 1 hour or 2. इससे इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सारा निकल जाएगा. छेना का भी एक स्टोरी है. जब पोर्टुगीज इन्वेशन हुआ था बंगालीज लर्न्ड द आर्ट ऑफ छेना मेकिंग फ्रॉम देम. पोर्टुगीज जो केसो फ्रेस्को था उससे मतलब मिल्क को कर्डल करके कैसे चीज बनाते हैं उनसे बंगाली सीखा और एक स्टेप आगे बढ़ गए. और बंगाल ने पूरी दुनिया में दैट रसगुल्ला एंड संदेश दीज थिंग्स रसगुल्ला स्पेशली हैज पुट बंगाल इन द कलिनरी मैप ऑफ द होल वर्ल्ड. सो हमने 1 liter दूध का छेना कर्डल करके रखा था टांग के रखा था और वो छेना पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाने के बाद आई एम यूजिंग दिस टू मेक संदेश टुडे. सो पहले इसको क्रम्बल कर लेना है. बहुत लोग बोलते हैं आप मिक्सी का यूज़ कर सकते हैं पर दैट इज़ नॉट द ट्रेडिशनल वे. आपके पास अगर हलवाई लोग क्या करते हैं उनके पास एक बड़ा सा वुडन परात बोलते हैं वो होता है उसमें वो छेना को मसल मसल के संदेश बनाते हैं. और संदेश बनाने का कई तरीका होता है. कुछ है कांचा बोलना विच इज़ नॉट कुक्ड. कच्चा छेना से मसल मसल के जो बनता है वो कांचा गोला होता है. फिर उसमें कितना सारा फ्लेवरिंग्स जाता है. गुड़ का होता है. आज जो मैंने कर रही हूँ वो गुड़ से है. सो गुड़ संदेश जो नोलेन गुड़ आता है बंगाल का एक स्पेशल गुड़ डेट पाम जैगरी ओनली फाउंड ड्यूरिंग विंटर मंथ्स. उसका हार्वेस्ट होता है विंटर मंथ्स में और उसका जो फ्लेवर है I feel it gives run for his money to any other gur. और आप मेपल सिरप ले लो. ये नोलेन गुड़ का जो लिक्विड गुड़ है उसको मैं लिक्विड गोल्ड बोलती हूँ. सबसे जरूरी लिक्विड गोल्ड. ऐसे करके आपको छेना को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है. तब तक मिक्स करना है जब तक ये एकदम प्लायबल सॉफ्ट
एक डो जैसा बन जाता है और इट ऑल कम्स टुगेदर। ये मिक्सिंग के ऊपर डिपेंड करता है आपका संदेश कैसे, कितना सॉफ्ट बनेगी बाद में और कितना यू नो मुलायम सॉफ्ट टेक्सचर उसका होगा। इसका जो क्रम्बलीनेस था अभी वो ख़त्म हो गया, अभी ये मुलायम हो गया और एकदम सॉफ्ट बन गया। और आप अगर इकट्ठा लेना चाहते हो तो इट्स फॉर्मिंग लाइक वन डो। नाउ द छेना बॉल इज रेडी टू गो टू द पैन फॉर फर्दर कुकिंग। सो गैस इज ऑन नाउ। इसमें पहले मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गुड़ और पानी, थोड़ा सा पानी रखते हैं, बहुत थोड़ा सा, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करने के लिए। आई एम यूजिंग पाटाली और नोलेन गुड़। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। आप चीनी से और छेना से भी काफ़ी अच्छा संदेश बना सकते हो। इसका जो खुशबू है इट समहाउ इट रिमाइंड्स मी ऑफ बंगाल। So, wherever in the world you are, there are certain things that reminds you of your childhood, your upbringing, where you come from, your roots. This is one such ingredient. ये अभी अच्छी तरह से boil हो रहा है, melt हो गया गुड़। अभी add कर देते हैं छेना को। Mixing so that there is no lump. I'll add some milk powder. कोई कोई लोग इसमें मावा ऐड करते हैं, कोई कोई कंडेंस मिल्क ऐड करते हैं, बट कंडेंस मिल्क विल मेक इट वेरी स्वीट। मैं ऑलरेडी गुड़ डाली हूँ, सो थोड़ा सा मिल्क पाउडर अबाउट 2 टेबल स्पून आई एम एडिंग। इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। इससे क्या होगा कि एक अच्छा डो जैसा फॉर्म करेगा। सम फ्यूजन्स जस्ट डजंट वर्क, सम वर्क वेरी वेल। इट्स लिटिल बिट ऑफ यू हैव टू हैव पेशेंस till this all comes together and forms like a dough. To keep stirring, keep mixing. Stir, 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 stir. I'm not complaining. Sometimes I feel this is therapeutic. If I'm stressed, I cook. If I'm happy, I cook. If I'm sad, I cook. Hamara sandesh abhi हो गया रेडी। इफ़ यू कैन सी इट्स ऑल पूरा पैन को छोड़ रहा है, एक डो के जैसा बन गया। सो इस स्टेज में मैं गैस करती हूँ बंद और इसको ठंडा होने देते हैं। लेट इट कूल डाउन नाउ। सो मेरा छेना का मिक्सचर रेडी है, थोड़ा ठंडा हो गया। इसको बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना, थोड़ा गर्म रहते ही इसको मोल्ड में डालना है, क्योंकि बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो वो ब्रिटल हो जाता है, फिर आप उसको मोल्ड नहीं कर पाओगे। आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस टाइम में इसको राउंड शेप या कुकी कटर से कुछ शेप दे सकते हैं, वो भी टेस्टी तो उतना ही होने वाला है। बट आई हैव गॉट दीज मोल्ड्स फ्रॉम माई ग्रैंड मदर एंड दीज आर फॉन्ड मेमोरीज। फूड इज ऑल अबाउट मेमोरीज नो। दिस आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर यूजिंग इट, सो ओल्ड एंड आई एम सो हैप्पी टू यूज इट इन माई किचन टुडे। तो कौन सा ले, सो मेनी। देर आर वन विद डक, देर इज वन हार्ट शेप, देर इज वन शंख के जैसा शेप, एक मैंगो है, ग्रीन मैंगो से भी ग्रीन मैंगो संदेश बनता है, बहुत अच्छा है, वेरी टेस्टी। व्हाट डू? आई यूज दिस सिंपल वन, इट हैज गॉट लोटस डिज़ाइन। थोड़ा सा तेल या घी लगा लीजिए पहले मोल्ड के ऊपर, फिर आप एक थोड़ा सा संदेश का डो लेके आप इसके ऊपर प्रेस कर दीजिए। ये प्रेस हो जाएगा
फिर इसको धीरे से निकल लीजिए एंड वोला। सिमिलर वे आई फिनिश मेकिंग ऑल द संदेश फ्रॉम द मिक्सचर। ये लो रेडी है संदेश, गुड़ वाली, गुड़ संदेश, एंड दिस इज द दिवाली स्पेशल। इसको कर देते हैं प्लेट, एक अच्छा सा प्लेटर लेके इसको डाल देते हैं। आपसे बहुत रिक्वेस्ट आए थे कि एक ऑथेंटिक संदेश का रेसिपी चाहिए, तो हमने सोचा क्यों नहीं ये संदेश का रेसिपी दिवाली स्पेशल में करते हैं। तो इसीलिए हमने एक दिन पहले शेयर कर रही हूँ, सो दैट यू कैन मेक योर दिवाली स्पेशल विद दिस गुड़ संदेश रेसिपी। लेट द फेस्टिवल ऑफ लाइट इल्यूमिनेट योर लाइफ। हैप्पी दिवाली।